गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले क्लास हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल तक, और आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आप कह सकते हो कि ये 12th क्लास का है, नॉन स्टिक रेजिन, क्योंकि इसके पहले का पोर्शन तो बिल्कुल रिपीट हो रहा है 11th क्लास में पढ़ रहे थे। इट इज नॉन स्टिक रेजिन। यहां बताता है कि इफ द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज अदर देन 1 यानी अगर इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं हो, क्योंकि अगर 1 मोलर है तब तो उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू को हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज अदर देन 1 मोलर देन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ नर्स्ट इक्वेशन, तब उसे हम लोग नर्स्ट इक्वेशन से निकालते हैं। अब वो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन डिराइव कर लेते हैं। एज ए कन्वेंशन रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू को लिया जाता है, तो सबसे पहले इमेजिन करते हैं कि Mn ये एक्वस फॉर्म में कोई आयन है और ये रिड्यूस हो रहा है M में इन सॉलिड फॉर्म। देखो यहां N प्लस चार्ज था, यहां जीरो हो गया, ये सॉलिड फॉर्म में है, तो ये N इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब ये रिड्यूस करेगा। अब इस कंडीशन में अगर हम लोग नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग नर्स्ट इक्वेशन, नर्स्ट इक्वेशन, हम लोग को एक रिलेशन मिलेगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मेटल, यहां एक्वस यानी कि 1 मोलर के अलावा कोई भी दूसरा हो सकता है, Mn प्लस बाय N इट वुड बी इक्वल टू अ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मेटल Mn प्लस बाय N माइनस R इंटू T by NF log metal, ये solid form में ऊपर में जो दिया हुआ है, by Mn plus in aqueous form। Across the equilibrium chapter आप याद करो, वहां पढ़े थे हम लोग कि solid के concentration को unity माना जाता है, one माना जाता है, क्योंकि solid का amount change करता है, उनका concentration unaffected। तो यहां पर फिर हम लोग अगले स्टेप में लिख सकते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मेटल इट वुड बी इक्वल टू अ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मेटल माइनस आर इंटू टी बाय एनएफ लॉग 1 बाय एमएन प्लस, और यहां ब्रैकेट में लिख देंगे हम लोग because the concentration of metal in solid form is considered as unity। ये नर्स्ट इक्वेशन हो गया। ये ln लिखा हुआ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, इसी को अगर हम लोग log के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो एक रिलेशन आप मैथ में भी पढ़े होंगे, ln x is equal to होता है 2.303 log x, यानी कि अगर ln को log में कन्वर्ट करेंगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है। उसी कंसेप्ट को अगर हम लोग यहां यूज करें तो और ये रिलेशन निकल जाएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मेटल इज इक्वल टू अ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मेटल माइनस, इसके जगह पर 2.303 तो ये मल्टीप्लाई करके यहां जाएगा 2.303 R into T by NF log 1 by Mn plus। It is the Nernst equation for determination of an electrode. It is the Nernst equation for determination of an electrode if the concentration of electrolyte is other than 1 mole। R universal gas constant, T temperature है, temperature generally हम लोग 298 Kelvin लेते हैं, और F Faraday's constant को represent करता है। अगर इस equation में R, T और F के value को हम लोग put करें, यहाँ erase कर रहे हैं, आप ये सारा कुछ अपनी copy में लिखोगे, क्योंकि इतना equation बनाना PDF में मुश्किल है, तो वहां पर हम सिर्फ लिख देंगे कि इक्वेशन को आप वीडियो से नोट करोगे, कि ये पूरा पार्ट आपको नोट करना होगा। तो ऑन पुटिंग द वैल्यू
ऑफ आर टी एंड एफ इन अबव इक्वेशन ये वैल्यू आ जाएगा. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मेटल इज इक्वल टू अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मेटल माइनस 0.059 बाई एन लॉग 1 बाई एम एल प्लस. यानी न्यूमेरिकल बनाते वक्त में लिखेंगे हम लोग ये और उसके बाद फिर यहां पर चले. एक वार्निंग, ट्वेल्थ के लेवल में आपका टेम्परेचर तो 298 ही रहेगा. एफ फराडे कॉन्स्टेंट है 96,500 कूलम देते हैं, लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में एक टी का वैल्यू अगर चेंज कर दे 298 की जगह पर 300 कैल्विन कर दे 400 कैल्विन कर दे तब वहां पर 0.05 नहीं आएगा. तब पूरा आर का टी का एफ का ये सारा वैल्यू आपको पुट करना पड़ेगा. यहाँ ये एन किस पर रिप्रेजेंट कर रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, एम एन प्लस से एम में कन्वर्ट कर रहा है तो कितना गेन कर रहा है या कितना लूज कर रहा है उसके वैल्यू को वहां पर लिखा जाता है. ये नॉन स्टिक क्वेश्चन था. अब इससे रिलेटेड जब तक न्यूमेरिकल्स नहीं बनाएंगे तब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा. तो आप कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे. सपोज एक क्वेश्चन दिया हुआ है और उस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इफ ए कॉपर इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन एन इलेक्ट्रोलाइट ऑफ कंसंट्रेशन 0.0001 मोलर. कॉपर को डाला गया है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में ऑफ कंसंट्रेशन 0.001 मोलर, देन व्हाट वुड बी इट्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू एट 298 केल्विन. 298 केल्विन पर कितना होगा. कॉपर को कहां डिप किया गया है, कॉपर सल्फेट में. अब देखो कॉपर सल्फेट यानी कि C2SO4 ये आयनाइज करता है HCU2+ प्लस SO42-, यानी कि अब जब रिडक्शन होगा तो कॉपर आयन का रिडक्शन होगा. तो कॉपर आयन यानी कि CU2+ आयन जो सॉल्यूशन में है ये रिड्यूस करेगा कॉपर में यानी कि सॉलिड फॉर्म में, और उस कंडीशन में ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. Cu2+ Cu में कन्वर्ट किया 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया. अब इस जगह पर हम लोग नॉन स्टिक इक्वेशन अप्लाई करते हैं. अप्लाइंग नॉन स्टिक इक्वेशन अभी हम लोग पढ़ेंगे. तो नॉन स्टिक इक्वेशन के अनुसार से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इट वुड बी इक्वल टू अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर माइनस 2.303. हर जगह पर ये फॉर्मूला लिखना जरूरी है, उसके बाद वैल्यू पुट करोगे. आर टी बाई एन एफ लॉग, यहां चूंकि सॉलिड है तो इसकी जगह पर 1 बाई कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन. कॉपर आयन का कंसंट्रेशन वही होगा जो कॉपर सल्फेट का होगा. अब वैल्यू पुट करते हैं. कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल याद हो गया हो या फिर क्वेश्चन में दिया हुआ भी 0.34 वोल्ट माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2. अब सवाल उठता है कि 2 क्यों. देखो ये कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन. तो यहां जो n का वैल्यू है वही तो यहां आता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए 2 log 1 बाई कॉपर आयन का कंसंट्रेशन 0.0001. इसको 10 के पावर में कन्वर्ट करोगे तो ये 10^-4 मोलर, 1, 2, 3, 4. तो यहां पर 10^-4 मोलर और ये वैल्यू आएगा 0.34 माइनस 0.059 बाई 2 log 10^4. ये 10^-4 ऊपर जाएगा तो 10^4. और आप पढ़े होंगे मैथ्स में नीचे क्लासेस में log 10^x इज इक्वल टू होता है एक्स लॉग 10 और लॉग 10 का वैल्यू 1 यानी एक्स. तो लॉग 10^x इज इक्वल टू एक्स. तो लॉग 10^4 इज इक्वल टू वैल्यू कितना हो जाएगा, 4. तो अगले स्टेप में आ जाएगा 0.34 माइनस 0.059 बाय 2 × 4. अब देखो ये 2 से कैंसिल हो, 2 2 जा 4. अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं
तो 0.34 माइनस 0.118, 0.34 माइनस 0.118, तो इसको हम लोग कर लेते हैं 0.34 माइनस 118, तो यहां यह वैल्यू हो गया 2, 2, 2, इट मींस 0.222 वोल्ट। ये कब निकला? इफ कॉपर इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन 10^-4 मोलर, यानी कि अगर स्टैंडर्ड होता 1 मोलर होता तब तो ये वैल्यू 0.34 होता, लेकिन चूंकि इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन चेंज कर दिए, 1 मोलर के अलावा कोई दूसरा है, फिर से इसका कंसंट्रेशन चेंज करने पर ये वैल्यू रिड्यूस कर 0.222 वोल्ट हो गया। इसको आप कॉपी में नोट करोगे, क्वेश्चन हम लिख देंगे पूरा और उसके नीचे में वीडियो दिखा हुआ रहेगा, तो आप चूंकि देखे हैं तो समझ में आया होगा, तो ट्राई करोगे खुद से बनाने का। एक और क्वेश्चन बताते हैं। सपोज जिंक सल्फेट सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन दिया हुआ है और इस बार में जिंक रॉड को डिप किया गया है जिंक सल्फेट में एट 298 केल्विन टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन इज 0.01 होगा, ये जिंक सल्फेट का। फिर वही कंसेप्ट आप यूज करो, जिंक सल्फेट ZnSO4 ये आयनाइज करेगा सॉल्यूशन में एज Zn2+ प्लस SO4 2-, यहां जिंक आयन है, तो ये जिंक आयन Zn2+ जो सॉल्यूशन में है, इट विल टेक 2 इलेक्ट्रॉन टू रिड्यूस इनटू जिंक, ये जिंक में रिड्यूस कर जाए सॉलिड फॉर्म में। अब यहां पर आप नंस इक्वेशन अप्लाई करो, अप्लाइंग नंस इक्वेशन ये वैल्यू आ जाएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक Zn2+ by Zn, it would be equal to a standard reduction potential of zinc minus 2.303 RT by NF log 1 by Zn2+. फिर से एक बार, 1 क्यों हो गया? क्योंकि यहां जिंक किस फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में। अब वैल्यू पुट करो, जिंक का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होता है -0.76 -0.059/2, क्यों? क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, लॉग 1 by 0.01 का मतलब 10^-2 -0.76 -0.059/2 log 10^2 -2 पर जाएगा, तो log 10^2 का वैल्यू 2 हो जाएगा, -0.76 -0.059/2 × 2, ये 2 कैंसिल हो गया। अब इसमें से इसके वैल्यू को माइनस करना है, तो एक्चुअली ये 0.76 है और यहां 0.059, तो 918 ये वैल्यू आ जाएगा -0.819। तो हम समझते हैं कि ये पार्ट अब क्लियर हो गया होगा, कॉपर का निकाले, जिंक का निकाले, उसी तरह से जो भी हो, जैसे अगर Al3+ है और वो Al में कन्वर्ट कर रहा है, तो यहां 3 इलेक्ट्रॉन लेंगे, तो जिस जगह पर फॉर्मूला में N है उस जगह पर वहां पर 3 हो जाएगा। अगर सिल्वर इलेक्ट्रोड लेते हैं तो Ag+ है, तो प्लस में वो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसलिए इस जगह पर N का वैल्यू भी 1 डालना होगा, बाकी का आप सोल्व कर सकते हो। एक आध क्वेश्चन हम दे देंगे, आप उसको जो ट्राई कीजिएगा सोल्व करने का। अब जिस तरीके से अगर इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन अलग अलग हो तो हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू निकाल सकते हैं किसी गिवन इलेक्ट्रोड का, बिल्कुल उसी तरीके से अगर कंसंट्रेशन अलग अलग हो, सेल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ हो, तो हम लोग ईएमएफ ऑफ द सेल भी निकाल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ईएमएफ ऑफ द सेल इन फॉलोइंग, और इसमें क्वेश्चन क्या है, जिंक इन सॉलिड स्टेट
Zn2 plus of concentration 0.01 molar, Cu2 plus of concentration 0.0001 molar, Cu in solid state, और वैल्यू दिया हुआ है गिवन E नॉट Zn2 plus by Zn, इट इज इक्वल टू माइनस 0.76 वोल्ट एंड E नॉट Cu2 plus by Cu, इट इज प्लस 0.3. अगर ये कंसंट्रेशन 1 मोलर होता, ये कंसंट्रेशन 1 मोलर होता तो ये तो पिछले क्लास का क्वेश्चन हो गया, वहां आसानी से निकाल लेते. अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल इज इक्वल टू अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड. लेकिन अ स्टैंडर्ड वैल्यू तभी होता है जब कंसंट्रेशन 1 मोलर, और चूंकि यहां पर कंसंट्रेशन 1 मोलर के अलावा कोई दूसरा है तो यहां पर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं लिखे, यहां हम लिखेंगे E से, यानी कि यहां नॉट नहीं लगेगा. तो इट वुड बी इक्वल टू अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड, कैथोड माइनस एनोड. अब देखो यहां कैथोड की जगह पर वैल्यू है कॉपर यूज किया गया है, यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक Zn2 plus by Zn. इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं. अब अभी जो आप सीखे हो उस कंसेप्ट का यूज करके एक बार कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहां से निकाल लेते हैं, दूसरी बार में जिंक का यहां से निकाल लेते हैं, और ये कॉपर और जिंक का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में करेंगे. ऐसे नाउ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर Cu2 plus by Cu, इट वुड बी इक्वल टू अ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर माइनस 2.303 RT by NF log 1 by Cu2 plus. अब वैल्यू पुट करते हैं, कॉपर का स्टैंडर्ड वैल्यू दिया हुआ है 0.34 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 2 log 1 by 10 to the power minus 4. ये 10 टू दी पावर माइनस 4 ऊपर जाएगा तो 10 टू दी पावर 4, यहां 2 और यहां 4 यानी कि 2 होगा. यानी अगले स्टेप में लिखेंगे तो 0.34 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4, ये 2 टाइम्स. और अभी ये वैल्यू हम लोग सोल्व किए हैं, आपके दिमाग में भी होगा, ये आ जाएगा 0.222 वोल्ट. इसे हम लोग इक्वेशन सेकेंड मान. अब देखो तो कॉपर का वैल्यू पता चल गया, ठीक उसी तरह से फिर किसका वैल्यू निकालेंगे हम लोग, जिंक का वैल्यू निकालेंगे. हम इसे इरेज करते हैं, आप अपनी कॉपी में इसको नोट करोगे, बिल्कुल नोट क्या करोगे, इसको बनाओगे बिल्कुल आसान समय में. तो एक बार में पहले कॉपर का निकाल लिए, अब उसी तरह से हम लोग जिंक का निकालेंगे. नाउ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक Zn2 plus by Zn, इट वुड बी इक्वल टू अ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक Zn2 plus by Zn माइनस 2.303 RT by NF log 1 by Zn2 plus, यानी जिंक का है. अब इसके वैल्यू को पुट करते हैं, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू माइनस 0.76 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 2 लॉग 1 बाय 10 टू द पावर माइनस 2, ये जाएगा तो 10 टू द पावर 2 हो जाएगा. माइनस 0.76 माइनस 0.059 बाय 2 इंटू 2, ये कैंसिल हो गया. अब इसका वैल्यू निकाले थे यहां 9.8 यानी 0.819.
अब देखो जीन का पता चल गया, कॉपर का निकाल चुके हैं 0.222, और इन दोनों वैल्यू को, ये इक्वेशन सेकंड था, इसे इक्वेशन थर्ड कर देंगे। अब इसके बाद में फिर क्या करेंगे, सेकंड और थर्ड से दोनों वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, यानी कि यहां लिखना पड़ेगा आपको ऑन पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, ऑन पुटिंग द वैल्यू, putting the value in equation first, electrode potential of cell, एक बार फिर से लिख देते हैं, electrode potential of copper minus electrode potential of zinc, Zn2 plus by Zn, copper का value 0.222 माइनस 0.819, ब्रैकेट हटा देती है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 0.222 माइनस माइनस प्लस 0.819। अब ऐड कर देते हैं इनके वैल्यू, ये निकल गया। तो इस तरीके से अगर कोई भी अलग अलग दिया हुआ है तो सबसे पहले आप एक एक करके एक बार कैथोड का निकाल लीजिए, दूसरी बार एनोड का निकाल लीजिए, और उसके बाद में फिर हम लोग यहाँ निकाल सकते हैं नॉन स्टिक्वेशन का यूज करके। एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए देंगे, आप उसको बनाइएगा उसी तरीके से, जो वैल्यू दिया रहेगा उसको आप सोल्व करोगे और फिर ये वैल्यू आप। अब इसके बाद आगे क्या, हम लोग एक और फार्मूला डिराइव करेंगे, और वो फार्मूला जिस तरह से नॉन स्टिक्वेशन एक इलेक्ट्रोड के लिए था, उसी तरह से नॉन स्टिक्वेशन ईएमएफ ऑफ द सेल के लिए, यानी कि पूरा ये इतना तीन स्टेप में करने का जरूरत नहीं होगा, एक फार्मूला ही होगा सेल के ईएमएफ डिटरमिनेशन के लिए, जिस पर वैल्यू को पुट करेंगे और पुट करके वहां से बाकी के वैल्यू को हम निकाल देंगे। लेकिन अगर आज बताएंगे तो बाकी का वो कंफ्यूजन होगा, रेगुलर क्लासेस में भी इतना ही तक बताते थे, आज जो क्वेश्चन वहां पे क्वेश्चन बनवाते थे तो आधे घंटे उसी में निकल जाता था, आज यही तक जो क्वेश्चन हम आपको देंगे वो इसी तरीके से आप बनाओगे, और फिर अब अगले वीडियो में एक और डिराइवेशन करेंगे हम लोग, डिराइवेशन ऑफ नॉन स्टिक्वेशन फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ द सेल, वो पहले फॉर्मूला डिराइव करेंगे और फिर इस क्वेश्चन को उस इक्वेशन पर सोल्व करेंगे और देखेंगे कि इसका आंसर वो आता है या नहीं। तो आज यही तक, बाकी अगले क्लास में, लेकिन जो क्वेश्चन देंगे वो आप बनाइएगा ईमानदारी से, कोशिश करो, थोड़ा सा वीडियो ये छोटा भी है तो इसको आप थोड़ा सा यूज कीजिए, हालांकि टाइम लगेगा क्योंकि बहुत सारा कॉपी भी करना पड़ेगा आपको, लेकिन अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट किए हैं, कंसेप्चुअल पार्ट है, इसके ऊपर मैं कंसंट्रेट कर रहा हूं। आज यही तक, थैंक यू।